हाँ जी युधिष्ठिर और दुर्योधन में युद्ध चलता है। जुआ भारत के अंदर जुआ खेलते हैं। जुआ चलता है। हाँ। जुआ। हाँ। युधिष्ठिर पार्ट किसका है? ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा कहाँ है? अभी है कि युधिष्ठिर की मर गया? अभी युधिष्ठिर है, अगर पार्टधारी है जिसका गायन महाभारत में है, तो वो युधिष्ठिर मौजूद है या मर गया है? मर गया। पांच पांडव है? नहीं, पांच पांडवों में युधिष्ठिर अभी मौजूद है प्रैक्टिकल जीवन में या नहीं है? है। किस रूप में है? 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 सूक्ष्म शरीर का गायन है भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में जो चित्र बने हैं पांच देवताओं के, वो सूक्ष्म बतन में बने हैं, इस सृष्टि में नहीं बने हैं। इस सृष्टि में पांच पांडवों के छत ऊंचे जितने चित्र बनाए हैं या नहीं बनाए? छत ऊंचे बनाने का मतलब क्या है? कि उनकी बुद्धि विशाल थी, उस विशाल बुद्धि से उन्होंने परमात्मा बाप को पहचाना। उन पांच पांडवों में जो युधिष्ठिर है वो धर्म का राजा कहा जाता है। धर्म माने धारणाओं का राजा। धारणाओं में सबसे बड़ी धारणा कौन सी है? पवित्रता। तो पवित्रता की धारणा में प्रैक्टिकल जीवन में ब्रह्मा बाबा ने जो पार्ट बजाया, बहुत श्रेष्ठ पार्ट बजाया। ज्ञान गहराई तक नहीं था, परंतु जितना भी ज्ञान बुद्धि में था, उस बुद्धि को 100% अप्लाई करके पूरा पुरुषार्थ करते हुए पार्ट बजाया। कोई भी मनुष्य मात्र उन पर उंगली नहीं उठा सकता। तो धर्म का राजा कहा जाता है, धारणाओं का राजा, क्योंकि उन्होंने जितनी पवित्रता के आधार पर सहन शक्ति जीवन में दिखाई, उतनी सहन शक्ति और किसी ब्राह्मण में नहीं देखने में आई। तो धारणाओं का राजा धर्मराज प्रैक्टिकल में अभी ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी में पार्ट बजाता है या बेसिक ब्राह्मणों में पार्ट बजाता है? है? एडवांस पार्टी में पार्ट बजाता है। कोई शरीर में प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है या इम्प्रैक्टिकल का गायन है?
पार्टिकल में पार्ट हो जाता है। तो वो युधिष्ठिर को जब पहचान लिया कि वो आत्मा कौन है और किसका पार्ट है, उसके बाद उससे युद्ध करने वाला, जो सामना करने वाला दुर्योधन है, वो दुर्योधन दुष्ट युद्ध करने वाला, माना ज्ञान के आधार पर, ज्ञान वाणी के आधार पर युद्ध करता है या अज्ञानियों के मुआफिक युद्ध करता है, कोर्ट कचहरी पुलिस और नोटों की गड्डियों का उपयोग करता है, गुंडों का उपयोग करता है, तो दुष्ट युद्ध करने वाला दुर्योधन है। एक तरफ है दुर्योधन और दूसरी तरफ है युधिष्ठिर, दोनों के बीच में युद्ध होने से पहले जुआ खेला जाता है, और जुआ खेलने की अनुमति भी किसने दे दी, भगवान ने अनुमति दी या नहीं दी? भगवान ने अनुमति दी, बल जुआ खेलो, आमंत्रित करते हैं तो जुआ खेलो। वो जुआ हद का है या बेहद का? बेहद का जुआ है। तन मन धन धाम सुहृद परिवार के संबंधी जन सब की बाजी लगा दो, पत्नी बीवी बाल बच्चों की भी बाजी लगा दो, उनको भी भला जुए में हार जाओ। तो जो युधिष्ठिर का पार्ट है प्रैक्टिकल में, वो जगत पिता का पार्ट है या नहीं है? वो जगत पिता अपने जगदम्बा को जुए में हार जाता है या जीत जाता है? जुए में हारता है तो ज्ञान की बातों की बाजी लगाकर हारता है या दुनियावी तरीके से हार जाता है? हैं? ज्ञान की बाजी लगाता है, मैं भी आत्मा, जगत पिता स्वयं आत्मा और जगदम्बा भी आत्मा, आत्मा आत्मा क्या हुए? भाई भाई, भाई भाई को बंधन में रखना चाहिए या स्वतंत्र छोड़ना चाहिए? हैं? स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। बहुत से ज्ञान में चलने वाले हैं, ज्ञान में तो दिखावा मात्र चलते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को ईश्वरीय ज्ञान के कंट्रोल में नहीं चलने देते, पूरा अपने कंट्रोल में रखते हैं। तो प्रैक्टिकल जीवन में जो युधिष्ठिर का पार्टधारी है, वो अपनी पत्नी को जुए में हार जाता है या जीत जाता है? हार जाता है। और जगदम्बा किसके कंट्रोल में पहुंच जाती है? उन्हीं दुर्योधन दुशासनों के कंट्रोल में पहुंच जाती है। युधिष्ठिर हार जाता है, पांडव और कौरवों में ये जुआ होता है नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार, पांडव सच्चाई से खेलते हैं नंबर बार और कौरव चालाकी से खेलते हैं, अपना अपनी मुट्ठी में पत्नी बीवी बाल बच्चे, और पांडवों के पत्नी बीवी बाल बच्चे भी अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं। तो महाभारत में जुए की जो बात है आई है, वो सच्ची है या झूठी है? है? भगवान ने सच्चा जुआ खिलाया या झूठा खिलाया? सच्चा खिलाया, इसमें उंगली उठाने की बात नहीं आती है कि ये जुए खेलने की बात ज्ञान के आधार पर है या ज्ञानियों का कार्य व्यवहार है।
ज्ञान के आधार पर। ऐसा जुआ तो हर पांडव को सच्चाई से खेलना चाहिए। और बीसीडी नंबर 1816 में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा रहने तक शिव बाप और साकार बाप दोनों रहेंगे कैसे? शिव बाप आते हैं ये विरुद्ध लेकर कि मैं बच्चों को नंबर वार आप समान बनाऊंगा, तो कोई बच्चा तो 100% आप समान बनता होगा कि नहीं है? कोई बच्चा बाप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बाप समान बनता है या नहीं बनता है? बनता है। जो बनता है उसका नाम शिव के साथ जोड़ दिया जाता है। वो मात वो पिता वो परम ब्रह्म परम ब्रह्म और वो बाप दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। तब कहा जाता है तू ही मेरी माता तू ही मेरा पिता। तो तू संस्कृत में कहते हैं त्वम। एक को कहते हैं त्वम, युवाम कहते हैं दो को, यूयम कहते हैं बहुतों को। त्वम युवाम यूयम हिंदी में कहते हैं तू एक को, अंग्रेजी में कहते हैं दाउ तू। तो शिव और शंकर मिलकर के एक है, मन वचन कर्म के अलग अलग हैं, है अलग अलग हैं, एक हो गए ना। तो उस शिव 2036 तक या समझ लो 37 तक जब तक सारी दुनिया का टोटल विनाश न हो तब तक इस सृष्टि पर रहेगा या नहीं रहेगा है? और आप कहते हैं 2036 तक रहेगा और शिव बाबा क्या कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। तो आपकी बुद्धि में बैठा है कि शायद शिव 36-37 तक ही रहेगा या उससे पहले भी चला जाए या हो सकता है 36-37 के बाद चला जाएगा। लेकिन वास्तव में वो रहेगा इस सृष्टि पर या नहीं रहेगा है? शिव बाबा रहेगा, शिव बाप आत्माओं का बाप नहीं रहेगा। और बाबा तो दोनों का सम्मिश्रण से बाबा का नाम होता है ना, शिव बाप अकेले जाएंगे तो बाबा कैसे रहेंगे इसमें? बाबा माने साकार, साकार और शिव माने निराकार, दोनों को अलग अलग कर देंगे तो एक शिव है निराकार। ज्योति बिंदु का नाम शिव, प्रवेश किया साकार में तो हो गया शिव बाबा। तो दोनों भी रहेंगे तो दोनों रहेंगे, दोनों की ताकतें समान सृष्टि, सत्य एक है या अनेक है? सत्य एक है। और गीता में आया ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, असत जो असत है झूठा है वो ठहर नहीं सकता, ठहरेगा? झूठे को पांव नहीं होते हैं, चोर होता है। और जो सत्य है वो सदा कायम है, बिना सत्य के ये सृष्टि ठहर सकती है? नहीं ठहर सकती।
सत सनातन धर्म, एक ही धर्म है जो सदा सत्य है, उसका कभी नाश नहीं होता, प्रायः लोप होता है। क्या सनातन धर्म वो किसके द्वारा स्थापन होता है? सत्य के द्वारा। वो सत्य सतयुग में भी था, त्रेता में भी कुछ न कुछ है, द्वापर में भी था, और कलयुग के अंत में भी कहीं न कहीं लोप स्थिति में वो सत्य रहता जरूर है, उसका विनाश कभी नहीं हो सकता। और जो भी धर्म पिताएं आते हैं वो ग्रंथ लिखते हैं या रूबरू मुख से वाणी सुनाते हैं? हैं? सुनाते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान ने द्वापर में आकर के गीता सुनाई थी, ये तो मनुष्यों ने बात बना ली। भगवान भी आकर के सुनाते हैं, उसके हजारों वर्षों के बाद गीता लिखी जाती है मनुष्यों के द्वारा, मनुष्य गुरुओं के द्वारा। जैसे धर्म पिताएं आते हैं तो वो डायरेक्ट आकर के वाणी चलाते हैं या बाइबल और कुरान लिखते हैं, वाणी चलाते हैं। उस समय उनकी प्रजा नहीं होती है उस धर्म की फॉलो करने वाली। जब प्रजा की संख्या बहुत बढ़ जाती है तो ग्रंथ की जरूरत पड़ती है, तब वो बाइबल और कुरान लिखी गई 200-400 वर्षों के बाद, जब उन धर्मों की संख्या बहुत हो जाती है। ऐसे ही देवी देवता सनातन धर्म का जो मुख्य धर्म ग्रंथ है गीता, वो भगवान ने भी हजारों साल पहले पुरा पोक्ता मयान घर पुराने जमाने में मैंने सुनाया था। किसको? सूर्य को सुनाया था। हजारों वर्ष के बाद उसका रूप बदल जाता है, हर चीज नई से पुरानी होती है, फिर ग्रंथ लिखे जाते हैं। हाँ, क्या कह रहे? अरे रंगप्पा भाई नहीं समझ पाया, मैं क्या समझूंगा तुम्हारी बात। हाँ बोलो बोलो, दोबारा बोलो। हिंदी से संस्कृत शूटिंग कैसे होता है? देवताओं की भाषा इशारे की होती है, हिंदी से मिलती जुलती होती है, लेकिन देवताएं बहुत बात नहीं करते हैं। ये बात करना स्थूलता में आना है, देवान में आना है, या वाणी से परे जाना अच्छा है? तो देवताएं तो वाणी से परे की स्टेज में होती हैं। द्वापर युग से जब आठ कलाएं रह जाती हैं तो वाणी में आना होता है, और जब वाणी में आना होता है तो उस समय जो बिगड़ी हुई भाषा है
वो संस्कृत नहीं होती थी, पाली और प्राकृत होती थी, इसी तरह की दूसरी भाषाएं होती थी। उस पाली और प्राकृत को, वैदिक भाषा को जिसमें वेद लिखे गए हैं, उसको संस्कृत किया गया, सुधारा गया, व्याकरण से भरपूर बनाया गया, उस भाषा को फिर संस्कृत नाम दिया मनुष्यों ने। पाणिनि के द्वारा वो व्याकरण से भरी पूरी भाषा संस्कृत सामने आई, उससे पहले ये संस्कृत नहीं थी द्वापर युग में। तो क्या पूछना चाहते? जो अभी बाबा ने जो मुरली सुना रहा है वो तो हिंदी में सुना रहा है, वो जब द्वापर में वो संस्कृत से सुना, वो कैसे ट्रांसलेट? तभी तो मनुष्यों की भाषा है, वो मनुष्यों ने सुनाई है, इसलिए वो मनुष्यों की भाषा है। उस मनुष्य में शिव प्रवेश नहीं होते थे, शिव प्रवेश होते तो फिर प्रत्यक्षता हो जाती, शिव को तो कोई जानता ही नहीं। जिसमें शिव प्रवेश नहीं हो रहे थे वही आत्मा संगम युग में शिव का आधार बनती है, तब सत्य सत्य सच्ची गीता सुनाती है। वही आत्मा द्वापर के आदि में जिसे व्यास भगवान के नाम से कहा गया है, वो ढेर के ढेर शास्त्र बनाती है। और उन शास्त्रों में पहला पहला शास्त्र है भगवत गीता, परंतु वो आर्टिफिशियल भाषा में बनाती है, मानवीय भाषा में। उसको सच्ची सच्ची वाणी नहीं कहा जा सकता। हां, सात्विक का ग्रंथ था, उस सात्विक ग्रंथ को जिस कवि ने बनाया, जिस कवि ने लिखा द्वापर के आदि में सात्विक स्टेज में, वो कवि तो बाद में शरीर छोड़ गया, दूसरे जो परिवर्ती आए फॉलोअर्स, उन्होंने उसमें टीका टिप्पणी करके उसका अर्थ बिगाड़ दिया। कृष्ण के जो पुजारी थे, कृष्ण का जो चित्र है वो आकर्षण करने वाला है, देवान में रहने वाले मनुष्यों को कृष्ण के चित्र ने ज्यादा आकर्षित कर लिया, इसलिए उन्होंने गीता में कृष्ण को भगवान के रूप में दिखाई दिया। ये कोई उस व्यक्ति ने नहीं दिखाया जिसने द्वापर के आदि में संस्कृत में गीता लिखी थी। तो ऐसे नहीं है कि द्वापर के आदि में कोई भगवान बैठ करके लिखता है, नहीं, जो लिखता है वो आठ कला संपूर्ण वाला मनुष्य था, आठ कला से भी नीचा, क्योंकि द्वापर युग के आदि में द्वापर भी चार अवस्थाओं से गुजरता है। तो आदि में द्वापर युग कौन सी अवस्था में था? सात्विक स्टेज में था। ऐसी सात्विक स्टेज में जो दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ लिखा गया, वो ओल्ड इज गोल्ड ग्रंथ होगा या नहीं होगा? सबसे ज्यादा सच्चा ग्रंथ दुनिया में गीता ही है, परंतु पर्वती मनुष्यों ने बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण, विकारी बुद्धि होने के कारण,
उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया और सारा गड़बड़ घोटाला हो गया। निराकार की जगह गीता साकार भगवान की गाई हुई बताई जाने लगी, जिससे भगवान का स्वरूप लोप हो गया। और ड्रिल कराते थे उनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे, ये भी बोला। ये वो ही बच्चे थे जिन्होंने शिव बाबा को, वो ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कारों का अर्थ बताया था। हैं? हाँ, प्रजापिता। और कौन होगा? ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा बाबा का परिचय कि तुम सतयुग में कृष्ण बच्चा बनोगे, ये परिचय कौन देगा? ये ज्ञान में जन्म कौन देगा? हैं? माता पिता। तो जो माता पिता थे सतयुग के बनने वाले, उन्होंने ज्ञान का जन्म उन्हें दिया। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर तुम्हारा ऊंचे से ऊंचा जन्म कृष्ण का जन्म है। और रावण ब्राह्मण का नाम श्री राम ने उसको मार लिया, रावण मर गया, तो ब्राह्मण के वो दोष आ गए। ब्राह्मण हस्ते दोष आ गए ना। रंगप्पा भाई नहीं समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। श्री राम ने इसमें रावण को मार लिया तो रावण मर गया, रावण रावण जो ब्राह्मण था ना वो ब्राह्मण के दोष हो गए ना बाबा। ब्राह्मण को ब्राह्मण हत्या का दोष, रावण तो ब्राह्मण था ना, उसको तो राम मार गया ना। ब्राह्मण तो था लेकिन ऊंची कुरी का ब्राह्मण था या नीची कुरी का राक्षस था? है कौन था? राक्षस कुल का था ना, तो मार दिया तो कोई खराब नहीं किया। ब्रह्म हत्या दोष हो गया ना, ब्रह्म हत्या दोष। ब्रह्म हत्या तब हो जब वो कुखवंशावली ब्राह्मण ना हो, मुखवंशावली ब्राह्मण हो। वो ब्रह्मा के मुख से निकले हुए ब्रह्म वाक्यों को मानने वाला था, नहीं था। हृदय अभिमानी ब्राह्मण था, देह के कुल को मानने वाला था। तो कुखवंशावली और मुखवंशावली में क्या अंतर होता है? राक्षसी गुण किसमें होते हैं और देवताई गुण किसमें होते हैं? तो भगवान तो आता ही है राक्षसी दुनिया खलास करने के लिए। ब्रह्म हत्या का दोष मनुष्य को लगेगा या भगवान को लगेगा? मनुष्य को लगेगा। भगवान तो कहते हैं मैं न मनुष्य हूं, न मैं ब्राह्मण हूं, न मैं देवता हूं। क्या कहा है? तो हत्या का दोष किसको लगेगा? अरे एक ब्राह्मण की हत्या करता है कि जब इस सृष्टि पर आता है कि दुनिया में जितने भी ब्राह्मण हैं, झूठे या सच्चे, मुखवंशावली या कुखवंशावली, सबकी हत्या कर देता है।
है। अरे वो तो सब की हत्या कर देता है, तो फिर कितनी बड़ी है ब्रह्म हत्या का भागी होना चाहिए। फिर भी गीता में लिखा है कि जो योगनिष्ठ है, संपूर्ण योगी है, संपूर्ण आत्मिक स्थिति में स्थित है, वो सारे संसार की भी हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई ब्रह्म हत्या कर लो दोष नहीं लगता। और बाबा ने समझाना है शंकर के प्रमाण भी और नष्ट कैसे हो। शंकर का इतना पार्ट नहीं है फिर भी वो नेक्स्ट टू शिव कैसे है। हाँ। तीन शक्तियां हैं मनुष्य के पास, बल्कि चार हैं। तन बल, बल तन बल भी एक शक्ति है या नहीं, धन बल। फिर जैसे बड़े बड़े नेताएं हैं उनके पास जन बल, ये भी एक शक्ति है या नहीं है। फिर चौथी शक्ति सर्वोपरि है मनोबल, ये सबसे बड़ी शक्ति है या नहीं। तो शंकर है मन रूपी बैल को कंट्रोल करता है, मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करता है या इंद्रियों से काम करता है। दस इंद्रियां स्थूल हैं, दसों इंद्रियों के कार्य भी स्थूल में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मन स्थूल है या सूक्ष्म है, है? सूक्ष्म है। सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल इंद्रियों में ज्यादा ताकत होती है। स्थूल इंद्रियां भी जब भूत प्रेतों के अंदर सूक्ष्म बन जाती हैं तो ज्यादा ताकतवर बन जाती हैं। इसे साबित होता है कि स्थूल में उतनी ताकत नहीं है जितनी सूक्ष्म में। और मन दसों इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है, दसों इंद्रियों में से कोई भी प्रबल इंद्रिय हो अपना कार्य करे और मन उसका साथ न दे तो इंद्रिय का भोग वो इंद्रिय भोग सकेगी, भोगेगी नहीं भोगेगी। तो मन प्रबल है और शंकर इंद्रियों को ही कंट्रोल नहीं करता, दसों इंद्रियों से ऊपर है, जो दसों इंद्रियों का राजा है इसे कहा जाता है मन रेव आत्मा। उस मन रूपी ग्यारहवीं इंद्रियों को भी कंट्रोल करता है और दस इंद्रियों से उतना कार्य नहीं करता, इसलिए बोला शंकर का इतना पार्ट नहीं है। फिर भी नेक्स्ट टू शिव है, कौन सी शक्ति के आधार पर, कौन से बल के आधार पर, तन बल के आधार पर नहीं, न धन बल के आधार पर, न जन बल के आधार पर। शंकर का तो नारा है अकेला चलो रे, कोई तेरा साथ न दे। सन 76 में बाप प्रत्यक्ष हुआ तो कोई ब्राह्मण ने उसका साथ दिया क्या, दिया नहीं दिया। कोई तेरा साथ न दे तो तू अकेला चलो रे, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो वो बल है स्थूल बल नहीं है, कौन सा बल है, वाइब्रेशन का बल है। वाइब्रेशन मन से बिगाड़ा जाता है और मन से अच्छा किया जाता है। ये मन दर्पण है, तो बोला है शंकर क्या करता है, कुछ भी नहीं,
उसमें भी जो कामेंद्रिय पूजी जाती है, जिसे पतित पावन कहा जाता है, संग के रंग से पतितों को पावन वाला बनाने वाला कहा गया है, वो भी कौन है? वो कार्य कौन सी शक्ति करती है? अरे भोग बलि मनुष्य की शक्ति करती है या योग बल काम करता है? तो शिव बाबा वो काम करता है या शंकर काम करता है? हैं? शिव बाबा काम कर, अगर शंकर काम करता होता लिंग इंद्रिय से तो शंकर लिंग कहा जाता। क्या शंकर लिंग कहा जाता है? क्या कहा जाता? शिवलिंग। तो पतितों को पावन बनाने वाला जो स्वरूप है वो शिवलिंग है, और वो लिंग शरीर की यादगार जरूर है। जिस शरीर में वो बिंदु प्रवेश करता है, ज्योति बिंदु शिव, इसलिए सोमनाथ के मंदिर में लाल गोल पत्थर जो लिंग के रूप में था उसमें हीरा जड़ा हुआ था सफेद। वो किस बात की यादगार था? किस चीज की यादगार? शिव की यादगार, शंकर की नहीं। शंकर की यादगार लिंग बड़ा रूप, और शिव की यादगार हीरा छोटा रूप। तो नेक्स्ट टू शिव है या नहीं है? है, है? मामा, उस विष्णु चक्र में सती ने राधा कृष्ण को दिखाया, सती क्या तो आ उसने त्रेता में राम सीता को दिखाया। हैं? त्रेता राम सीता को दिखाया, लेकिन आप इसको एक सीता सीता नहीं आया ना मामा? सीता अभी तक ज्ञान में नहीं आई, एडवांस में नहीं आई। उधर दो सीता होता है, एक सोने की सीता और सच्ची सीता, वो कौन सा सीता है? हाँ, दो शक्तियां हैं, एक है ज्ञान, जिसके लिए गीता में क्या है, नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम भी विद्यते। यह माने इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। है नहीं? हाँ, ज्ञान जिसमें जास्ती होगा उसमें पवित्रता भी जास्ती होगी, और जिसमें पवित्रता जास्ती होगी वो पवित्रता की शक्ति से दुनिया का बड़े से बड़ा काम करके दिखाएगा, बड़े से बड़ा काम, स्थापना, विनाश या पालना? है पालना। तो पवित्रता के आधार पर पालना करके विष्णु ने दिखाई। वास्तव में विष्णु में पुरुष रूप ही नहीं है। हाँ, पुरुष रूप प्रबल है, परंतु जो देखने में शरीर आ रहा है चार भुजाएं, वो चारों भुजाएं स्थूल शरीरधारी की है। मनुष्य हैं, उन्हें भगवान नहीं कहा जा सकता। विष्णु देवता है, भगवान का रूप नहीं है। विष्णु की चारों ही भुजाएं, चार ब्रह्मा से विष्णु बनने वाले हैं कंबाइंड रूप में। तो जो वैष्णो देवी है
वो ही विष्णु की चार हाथों में प्रधान है। ब्रह्मा तो नाम ही ब्रह्मा है, स्वभाव संस्कार से स्त्री है या पुरुष है, स्त्री है, वो भी ब्रह्मा सो विष्णु। अब रहा गदा, ब्रह्मा की यादगार, हर बात में ड्रामा की ढाल आगे कर देते थे। चक्र, पहले पहले ज्ञान का चक्र किसने घुमाया है? ओम राधे मम्मा ने घुमाया कि आत्मा ज्योति बिंदु है तो आत्माओं का बाप भी जरूर ज्योति बिंदु होगा। हाथी का बच्चा मोटा कट्टा हट्टा कट्टा है तो बाप भी मोटा हट्टा कट्टा होगा। बच्चा सांप जैसा लंबा है तो उसका बाप भी लंबा ही होगा। चींटी छोटी सी है तो उसका बाप भी छोटा सा ही होगा। आत्मा ज्योति बिंदु है तो आत्मा का बाप भी ज्योति बिंदु होगा। पहला पहला चक्र ज्ञान का मम्मा ने चलाया बीज रूप, इसलिए विष्णु के हाथ में ब्रह्मा के साथ साथ कौन सा हाथ दिखाया है? मम्मा ओम राधे का, वो भी विष्णु का रूप है। फिर लेफ्ट साइड में आ जाइए, लेफ्ट साइड में है ऊपर शंख, तो जब ज्ञान का शंख बजते हैं दिखाते हैं गीता में महाभारत में, बड़े बड़े महारथियों ने शंखनाद किया तो दिशाएं दहल उठी, युद्ध का वातावरण बन गया। अभी युद्ध का वातावरण दिखाई दे रहा है या शांति का वातावरण है? अभी शांति का वातावरण है। अभी महाभारी महाभारत युद्ध सामने जरूर खड़ा है लेकिन युद्ध की भेरियां अभी नहीं बजी हैं। भगवान प्रत्यक्ष होगा तो युद्ध का शंखनाद भी होगा। जैसे शंख की आवाज चारों ओर फैलती है ऐसा शंखनाद जो शुभता का सूचक है वो विष्णु के हाथ में दिखाया जाता है। वास्तव में वो कोई पुरुष नहीं है, पुरुष ऐसा शंखनाद नहीं करते शुभता वाला, वो तो साफ दुर्योधन दुशासन है। उनके मुख से वो शुभ्रता की वाणी अच्छी नहीं लगती, भले कितना भी ज्ञान सुनाने वाले हों, वही ज्ञान की वाणी, ज्ञान की आवाज पवित्र कन्या के मुख से जब सुनाई जाती है तो सारे संसार में आवाज फैल जाती है। जो सुनेगा वो मानेगा कि मेरा बाप भगवान आ गया। तो वैष्णवी देवी है जो शंखनाद करती है लेकिन वो भुजा भी, उसको भी चलाने वाला कोई और ऊपर है या नहीं है? कौन है? हैं वैष्णवी देवी जिसे लक्ष्मी कहा जाता है, पार्वती कहा जाता है, वो पार्वती से भी ऊपर कोई और है या नहीं है? जो नारायणी से भी ऊपर है, नारायणी को भी ज्ञान देने वाला है,
लक्ष्मी को भी धन किसी से मिलता है या नहीं मिलता है? तो जिससे मिलता है वो ऊपर गुप्त है, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया। जिसका युगायन है, यज्ञ के आदि में भी उसने अपने आप को छुपा दिया था। ब्रह्मा वैष्णवी देवी जगदम्बा ये तीनों प्रत्यक्ष हुए, यज्ञ को कंट्रोल करने वाले प्रत्यक्ष हुए, प्रैक्टिकल में खुद गुप्त हो गया। जो आदि में सोई अंत में फिर प्रत्यक्ष होता है। तो जब प्रत्यक्ष होता है तब पता चलता है कि पवित्रता की पावर तो बाद की है, पहले ज्ञान की पावर कार्य करती है या पवित्रता की पावर कार्य करती है? हैं? बिना ज्ञान के पवित्रता किसी काम की चीज है या नहीं है? हैं? कोई काम की नहीं। वही वैष्णवी शक्ति, वही विजयमाला की हेड, जब तक एडवांस ज्ञान न ले तब तक वाइब्रेशन से या दृष्टि से कुछ न कुछ विविचारणी बनती ही रहेगी। जो प्योरिटी की पावर आनी चाहिए वो प्योरिटी की पावर नहीं आ सकती। वो कितना भी बेसिक ब्राह्मणों को सहयोग दे, एड़ी चोटी की ताकत लगा दे, तो भी नई दुनिया का संगठन स्थापन करने में सहयोगी नहीं बन सकती। कब तक? जब तक कि वो एडवांस ज्ञान न ले। और बाबा 1998 में कृष्ण का जन्म हुआ जेल में, कुछ फिर 2018 में भी कृष्ण का जन्म होता है, फिर 2036 में भी जन्म होता है। कौन सा कृष्ण है? 2036 में सती का कृष्ण का जन्म होता है। वो तो सृष्टि का विनाश होने के बाद होगा। सृष्टि ये सारी 500-700 करोड़ की मानवीय सृष्टि खलास हो जाएगी, तब कृष्ण बच्चे के रूप में प्रैक्टिकल में जन्म लेगा। 2018 में मनुष्य जानेंगे कि सतयुग में जो कृष्ण बच्चा पहला बच्चा पैदा होगा, षष्ठी रूपी रंगमंच पर षष्ठी रूपी वृक्ष में पहला पत्ता, वो कृष्ण की आत्मा दादा लेखराज ही है। वो दादा लेखराज की आत्मा किसमें प्रवेश करके पार्ट बजाए रही है? अभी बेसिक के ब्राह्मण इस बात को नहीं मानते, फिर क्या होगा? फिर मानेंगे, जानेंगे ये जो असली बात हमको पहचाननी थी वो हम नहीं पहचान सके। यज्ञ के आदि में भी हमने उस बड़ी हस्ती को ठुकराया था, उसका साथ नहीं दिया। हमारा जो गुरु दादा लेखराज ब्रह्मा था, वो भी सिंध हैदराबाद से कन्नी काट के पांव सर के ऊपर धर के भाग गया था कराची में, चुपचाप, किसी को पता नहीं चला कहां गया। सभी बेसिक ब्राह्मणों ने उसको फॉलो किया, कोई ने साथ नहीं दिया। अभी भी जो आदि में हुआ सो अंत में भी हो रहा है। और जो सामना करते हैं बाप का वो भस्म हो जाते। जैसे बाली का मिसाल देते हैं,
बाली के सामने आकर जो युद्ध करता था उसकी आधी शक्तियां बाली में चली जाती थी। वो भस्म होने वाली आत्माएं हैं जो बाप से ही लेती हैं, बाप से ही बल प्राप्त करती हैं, फिर बाप का ही सामना करती हैं। ऐसी आत्माएं भस्म हो जाती हैं। आत्मा भस्म होती है कभी? भस्म होने का मतलब क्या हुआ? उनका पद मान मर्तबा खलास हो जाता है। ऐसी विरोध करने वाली आत्माएं त्रेता के अंत की जो जन्म है, कटी हुई गद्दी सीढ़ी में दिखाई गई है, उस गद्दी की ताज पतलून ले पाती है। बाकी उससे पहले के जन्मों में दास दासी बनते रहते हैं। पद भस्म हो गया। कृष्ण का और क्राइस्ट का राशि मिलता है, कृष्ण का और क्राइस्ट का राशि मिलता है। क्रिश्चियन लोग तो डिवाइड कर ढूंढ दिया है, डिवाइड करके ढूंढ दिया है, कोई सा कृष्ण ने क्या किया? क्राइस्ट ने क्या किया? डिवाइड कर ढूंढ, डिवाइड एंड रूल किया। अभी भी कृष्ण की आत्मा, ब्रह्मा वाली आत्मा बेसिक को और एडवांस को डिवाइड करके दोहरा पार्ट बजाई रही है या नहीं बजाई रही है? बजाई रही कि नहीं बजाई रही है? वाराणसी में माता अभी भाई भाई वाराणसी में कोई माता पिता है वो रास्ते में जाने वालों को धोखा करता है? वाराणसी में कोई युगल है? माता अपी, माता अपी करके जो है वाणा कहते हैं, वो वारणा असी माता पिता हैं जो 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 आने वाले जो रास्ते में जाते हैं ना, माता भी माता अपी अभी वरुणा असी वाराणसी शब्द है, दो शब्दों को मिलके बना है। वरुणा नदी का नाम है और असी ज्ञान तलवार धारण करने वाली गंगा का नाम है। असी माने तलवार, जो गंगा यूपी से बहकर के आती है ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर से, इलाहाबाद से बहती हुई आती है और वरुणा नदी से जब मिलती है तो वो तलवार का रूप धारण कर लेती है, तीखी हो जाती है। तो ये दो हैं नाम, एक वरुणा, वरुणा नाम है योगिनी माता का, बहुत गहरी नदी है और वो नदी वाराणसी के उत्तरी पश्चिमी भाग पर मुहाने में जहाँ गंगा से मिलती है उस भाग का नाम है काशी नगरी। वो काशी नगरी कहो, अनसुईया कहो, योगिनी कहो, वो तीनों ही नाम एक हैं।
वो माता है काशी नगरी, काश्य तेज को कहा जाता है। उस काश्य को धारण करने वाला शिव है, योग का तेज जिसमें भरा हुआ है, और उस योग के तेज को संपूर्ण रूप से धारण करने वाली नगरी का नाम है जो ज्ञान की नगरी कही जाती है। सारे हिंदुस्तान में ही नहीं, सारे विश्व में प्रसिद्ध है ज्ञान के लिए, वो है योगिनी नगरी। जिसमें ज़्यादा ज्ञान होगा उसमें ज़्यादा योग भी होगा, जिसमें ज़्यादा योग होगा उसमें जास्ती है पवित्रता भी होगी। इसलिए दिखाते हैं कि अनुसुईया को त्रिदेवियाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर की देवियाँ भी आकर के नमन करती हैं, अपनी माता मानती हैं। तो पहली पहली माता तो वो हो गई, वो पिता हो गया विश्व पिता। शंकर की प्यारी नगरी शास्त्रों में काशी नगरी मानी गई है, और वो दोनों मिलकर के नई दुनिया की संगठन तैयार करते हैं। तो नई दुनिया के संगठन में 500-700 करोड़ को आने देंगे है? नहीं आने देंगे। 500-700 करोड़ तो क्या, 33 करोड़ को भी नहीं आने देंगे। 33 करोड़ तो क्या, जो सतयुग त्रेता में आने वाली आत्माएं 10 करोड़ हैं, उनको भी नहीं आने देते। 10 करोड़ की भी बात छोड़ो, सतयुग में आने वाली 2 करोड़ आत्माओं को भी नहीं आने देते। 2 करोड़ को भी छोड़ दो, जो सतयुग के पहले जन्म में आने वाली आत्माएं हैं, कितनी हैं? 9,16,108। उन 9,16,108 आत्माओं को भी एकदम पहले पहले आने देंगे क्या हैं? उनको भी नंबर बार ही आने की अनुमति मिलती है। उनमें भी जो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाले हैं, उनको पहले परमिशन मिलती है या जन्म लेने वालों को पहले परमिशन मिलती है? हैं? जन्म लेने वालों को परमिशन नहीं मिलती, लेकिन वो सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण जबरदस्ती प्रवेश कर जाते हैं। तो 4,500 हैं जिनको माँ बाप की स्वीकृति मिलती है उनके गुणों के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, जो बोला है गीता में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म स्वभाव से, 4 वर्णों की मेरे द्वारा रचना की जाती है, उनके गुण, उनके कर्म, उनके स्वभाव के आधार पर। जिनके शूद्रों जैसे स्वभाव है, संस्कार है, ब्राह्मणत्व के पवित्रता के संस्कार नहीं है, व्यभिचारी बनते रहते हैं, तन से, तन की इंद्रियों से, वाचा से एक के प्रति वफादार नहीं रहते हैं, ऐसी आत्माएं 4,500,000 में प्रवेश भी नहीं कर सकेंगी। प्रवेश तभी कर सकेंगी जब वो अभिविचारी बने, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से। शूद्र तो प्रवेश कर ही नहीं सकते। ऐसे ही वैश्य, ऐसे ही क्षत्रिय भी कौन प्रवेश करेंगे? जो पवित्रता को धारण करने वाले पक्के ब्राह्मण होंगे वो ही 4,500,000 की लिस्ट में आ सकेंगे, जो शरीर सहित स्वर्ग में जावेंगे।
उनका शरीर नष्ट नहीं होगा, भले बर्फ में दबा रहे हैं।